नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी, पहला पेश ने चुनवियां खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की फौज वालों की गई भड़काउण वाली कार्रवाई ते उच्च पदरी चर्चा की। भारत ने कहा है कि चीन की फौज ने पूर्वी लद्दाख के 29 अगस्त की रात तो भड़काउण वाली कार्रवाइयां कीतियां। भारतीय फौजियों ने चीन दी कोशिशों नू कीता नाकाम। पेंगोंग झील के दखनी किनारे ते भारत ने अपनी मौजूदगी की होर मजबूत। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा समेत देश के कई सूबों में एकीकृत कोल्ड स्टोर सहूलतों और आधुनिक मुढ़ले ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तहत 27 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इन्हां प्रोजेक्टों के नाल 16,000 तो वध लोगों को सीधे या असिधे तौर पर रुजगार मिलेगा। 257,000 तो वध किसानों को इसका लाभ पहुंचने की संभावना। संचार अते सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मुखी नूं चिट्ठी लिखी। वख-वखरे विचारां दी वधिया नुमाइंदगी दे लई देश दे लई विशेष कम्यूनिटी दिशा निर्देशां नूं बनाए रखण दे लई ठोस उपराले करन दी हिदायत दित्ती। देश दे विच कोविड 19 तो सेहतयाब होण वालियां दी दर 76.94% हुई। पंजाब दे विच कोरोना की पुष्टि वाले केसां की गिनती 55,508 ते पुजी। देश भर विच जेईई मेन की प्रीख्या कोरोना बचाव और सुरक्षा के व्यापक प्रबंधा हेठ जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियां नूं एजीआर का बकाया चुकाउण दे लई 10 साल का समां दिता। देश च अगस्त के महीने के GST राही 86,449 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा होया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, फौज मुखी जनरल MM नरवाने ते फौजी ऑपरेशन बारे डायरेक्टर जनरल दे नाल एक हंगामी मीटिंग की। इस मीटिंग दौरान चीन की फौज वालों दखनी पेंगोंग खेत्र दे विच कीतियां गईयां भड़काउण वालियां हरकतों बारे चर्चा की गई। इस दौरान इस इलाके दे विच आम वर्गी स्थिति बरकरार रखने के लिए भारत वालों चुके जाने वाले कदमों बारे भी चर्चा की गई। कल ब्रिगेड कमांडर पदरी चुशूल दे विच गलबात भी हुई, जिस दे विच चीन दियां फौजां वालों कीतियां गईयां भड़काउण वालियां सरगर्मियां ते चर्चा हुई। फौज ने कहा कि चीन दे फौजियां ने पूर्वी लद्दाख दे विच कई थावां ते फौजी अते रणनीतिक प्रबंधकां च छेड़छाड़ करन दा यतन कीता। 29 अगस्त तो रात दे हनेरे दे विच कीतियां गईयां अजिहियां शरारती सरगर्मियां दा भारतीय फौज वालों डटवां जवाब दिता गया। भारत ने कहा है कि चीन की फौज ने 29-30 ते 31 अगस्त नूं भड़काउण वालियां कार्रवाइयां कीतियां ने। दूजे पासे दोवां देशां विचाले तनाव घट करन दे लई गलबात भी जारी है। भारत चीन सरहदी खेत्र च वापरियां सारियां घटनावां बारे पुछे गए एक सवाल के जवाब दे विच विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने दस्या कि भारत ने पिछले दिन चीन वालों कीतियां गईयां भड़काउण वालियां कार्रवाइयां के बारे में रणनीतिक ते फौजी ढंग तरीके राही चीन के नाल गलबात की है। उन्होंने दस्या कि भारत ने चीन नूं सलाह दी है कि अपनी फौज नूं अनुशासन अते कंट्रोल दे विच रखे तां जो उस वालों भविख दे विच कोई भी भड़काउण वाली कार्रवाई ना की जाए। भारत अते चीन सरहदी स्थिति नूं सुलझाउण दे लई पिछले 3 महीनों तो फौजी अते रणनीतिक ढंग तरीके दे नाल आपसी गलबात जारी है। चीन के विदेश मंत्री अते विशेष नुमाइंदे इस गल ते सहमत हो गए ने कि स्थिति नूं जिम्मेवाराना ढंग दे नाल सुलझाया जाना चाहिए अते कोई भी धिर उकसाउण वाली कार्रवाई ना करे। यह यकीनी बनाया जाए कि दुवले समझौतियां अते प्रोटोकॉल के अनुसार सरहद ते शांति बनी रहे। बुलारे ने दस्या कि चीन वालों दी गई सहमति के बावजूद 29 अते 30 अगस्त नूं पेंगोंग झील के दखनी कंढे ते मौजूदा स्थिति दे विच बदलाव लियाउण की कोशिश की गई। भारत ने भड़काउण वाली इस कार्रवाई का ढुकवां जवाब दिता। देश के हितां सुरक्षा ते खेतरी अखंडता की राखी दे लई असल कंट्रोल रेखा के नेड़े लोड़ींदी रक्षात्मक कार्रवाई की गई। बुलारे ने दस्या कि कल जदों दोवां धिरां विचाले ग्राउंड कमांडर गलबात कर रहे सन चीन की फौज ने मुड़ तो भड़काउण वाली कार्रवाई की। भारत वालों फौरी तौर पर की गई रक्षात्मक कार्रवाई के नाल मौजूदा स्थिति नूं बदलण दे लई चीन वालों किए गए एक पासड़ यतना नूं नाकाम कर दिता गया।
केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा समेत देश के कई सूबों के एकीकृत कोल्ड स्टोरेज सहूलतों के आधुनिक ते नवे मुढ़ले ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री संपदा योजना तहत 444 करोड़ रुपए के स्थाई प्रोजेक्टों को प्रवानगी दी है। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि नवे एकीकृत कोल्ड चेन प्रोजेक्ट 16,000 तो वध लोगों के लिए सीधे और असिधे तौर पर रुजगार के मौके पैदा करेंगे। इस तकरीबन 2,57,000 किसानों को लाभ पुजेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोड़ींदा मुदला ढांचा मुहैया करवा के छेती नष्ट होने वाले उत्पादों की बचत के नाल किसानों की आमदन वधाउण दे विच मदद मिलेगी। इस दे नाल देश नूं फल अते सब्जियां दे खेतर दे विच आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। उन्हां कहा है कि प्रोजेक्ट जिथे खेती सप्लाई चेन नूं तरतीबद्ध करन च सहाई होणगे उत्थे देहाती इलाकियां दे नौजवानों नूं रुजगार दे नवे मौके भी मिलणगे। उन्हां दस्सिया कि देश भर दे विच माली सहायता दे नाल 85 कोल्ड चेन प्रोजेक्टां ते विचार कीता जा रहा है। एकीकृत कोल्ड चेन अते मुलवादा ढांचे की केंद्रीय योजना तहत मंत्रालय वालों भंडारण ते ढोआ ढुआई के लिए आम खेतर 35% की दर के नाल उत्तरी पूर्वी राज्यों हिमालियन राज्यों ITDP खेतर टापुआ के लिए 50% की दर के नाल ग्रांट इन एड के रूप में माली सहायता मुहैया करवाई जाती है। केंद्रीय संचार अते सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संपादक अते मुखी नूं कहा है कि वह वखो वखरे विचारां दी वधिया नुमाइंदगी दे लई देश दे विच विशेष कम्यूनिटी दिशा निर्देशां नूं बनाई रखण बारे ठोस उपराले करन। फेसबुक के मुख कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग नूं लिखी एक चिट्ठी दे विच उन्हां वी सूनी दियां आम चोणां दौरान फेसबुक के वतीरे ते भी गंभीर चिंता प्रगटाई है। प्रसाद ने कहा कि इस चोण दौरान फेसबुक प्रबंधक ने एक विशेष धारा का समर्थन करन वालियां पोस्टां दी पहुंच नूं कटाउण ते हटाउण दे लई कुछ एक पन्नियां नूं हटाउण दा यतन कीता सी। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे पक्षपाती वतीरे दा जिक्र करदे उन्हें कहा कि फेसबुक प्रबंधन ने इस मुद्दे ते सुधार उपावां दी मंग करन वाले सुनेहां दा जवाब भी नहीं दिता। उन्हें कहा कि कौमांतरी मीडिया दे नाल फेसबुक ते कर्मचारियों दे एक ग्रुप दी गणतुप दे नाल कुछ स्वार्थी अंसरां ने देश दी जमहूरी प्रक्रिया नूं ठेस पहुंचाउण दी कोशिश भी कीती। केंद्रीय मंत्री ने जोर दे के कहा कि अजिहे कई उदाहरण ने जदों राष्ट्रवादी अते कट्टरपंथी तत्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वरतों समाजिक व्यवस्था नूं खत्म करन दे मंतव दे नाल कीती। सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री ने तत्था की जांच किते बिना अते प्रोसे योग एजेंसियां वालों दिते तत्था दे नाल मेल करन मगरों किसी भी सूचना या जानकारी नूं सोशल मीडिया ते सांझे करन तो गुरेज करन दी भी सलाह दिती। देश दे विच कोविड 19 दे मरीजां दे सेहतयाब होण दी दर दे विच लगातार सुधार जारी है। सेहतयाब होण वालियां दी दर 76.94% हो गई है। बीते दिन 65,000 तो वध मरीज सेहतयाब ऐलाने गए ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी आंकड़ियां मुताबिक हुण तक तकरीबन 28,40,000 व्यक्ति सेहतयाब हो चुके ने। इस वेले देश दे विच सिर्फ 1.29% कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सेहतयाब होने वाले की गिनती अगस्त के आखिरी हफ्ते दे विच जुलाई के पहले हफ्ते के मुकाबले 4 गुना वध हो गई है। असरदार ढंग के नाल नुमाइंदियां की जांच कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क चाउण वाले लोगों का पता लगाउण अते छेती इलाज शुरू करन दे नाल वड्डी गिनती च लोग सेहतयाब होए ने अते मरण वालियां की गिनती भी घट रही है। इस वेले देश दे विच कोरोना दे नाल मरण वालियां की दर 1.77% है। बीते दिन तकरीबन 70,000 लोगों च कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिस दे नाल देश दे विच कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती वध के 36,91,000 तो टप गई है। बीते दिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु ते उत्तर प्रदेश च कोरोना की पुष्टि वाले सब तो वध मामले सामने आए। कुल मामलों च 56% कोरोना केसा की पुष्टि इन्हां सूबियां च हुई है। दूजे पासे सब तो वध सेहतयाब होने वाले मरीज भी इन्हां पंज सूबियां नाल ही संबंधित ने। इस वेले देश दे विच कोरोना वायरस के तकरीबन 7,86,000 मामले ने, जबकि हुण तक इस महामारी दे नाल देश दे विच 65,288 व्यक्तियां की मौत हो चुकी है। इधर पंजाब दे विच कोरोना की पुष्टि वाले केसों की गिनती 55,508 ते पहुंच गई है, जिन्हों 38,147 मरीजों नूं सेहतयाब ऐलानिया जा चुकिया है। सूबे च इस वेले कोरोना के 15,849 एक्टिव मामले ने। इस महामारी के चलद सूबे 1,512 मौत हो चुकिया ने। सूबा सेहत परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी मीडिया बुलेटिन मुताबिक पंजाब च इस वेले 464 मरीजों ऑक्सीजन की सहायता से रख्या गया है, जबकि 70 मरीजों वेंटीलेटर से रख्या गया है। बीते दिन सूबे च इस महामारी के 59 मौत हुई, जबकि 1,120 मरीजों सेहतयाब ऐलानिया गया है। लुधियाने च कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की गिनती 11,000
करीब पहुंच गई है। कौमी टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए वालों इंजीनियरिंग की दाखला प्रीख्या जेईई मेन देश भर के जारी है। प्रीख्या 6 सितंबर तक जारी रहेगी। कल पहले दिन शुरू हुई इस प्रीख्या दौरान सेंटरां ते कोरोना बचाव ते सुरक्षा के व्यापक प्रबंध वेखन नूं मिले। विद्यार्थी मास्क ते दस्ताने पा के सेंटरां च पहुंचे। इस दौरान उन्हां समाजिक दूरी की भी पालना की। विद्यार्थी अपने नाल हैंड सैनिटाइजर भी लैके आए सन। इस तों इलावा कुछ विद्यार्थियों ने मास्क के नाल नाल फेस शील्ड भी लगाई हुई सी। ये प्रीख्या देने लई देश भर दे विच 8,58,000 तो वध विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। पहले दो सैशनों च सवेरे 9 तो दोपहरे 12 बजे तक ते फिर दोपहर 3 बजे तो शाम 6 बजे तक प्रीख्या हो रही है। विद्यार्थियों नूं जारी किए गए एडमिट कार्डां च दस्या गया है कि किवें करोना ते होर बाई हिदायतां की पालना करनी है। प्रीख्या केंद्रां च सारियां व्यवस्थावां टचलैस बनाईआं गईआं ने। कोड राहीं विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड चैक किए जा रहे हैं। सेंटर तो काफ़ी दूर तक ही गड्डियों के पहुंचने नूं आग्या दी गई है। प्रीख्या दौरान सेंटर से ही 3 लेयर वाले मास्क मुहैया करवाए गए। विद्यार्थियों ने मास्क पा के ही दाखला केंद्र च दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। दूरसंचार कंपनियां नूं सुप्रीम कोर्ट ने वड्डी राहत दिंदिया AGR दा बकाया चुकाउण दे लई 10 साल दा समां दित्ता है। अदालत ने कंपनियां नूं इह वी कहा है कि ओह बकाए दा 10% 31 मार्च 2021 तक जमा करवाउण। अदालत ने भी स्पष्ट कर दिता है कि बकाया AGR दी रकम निर्धारित हो चुकी है ते इस दा मुड़ मुलांकन नहीं होवेगा। देश दीआं टैलीकॉम कंपनियां ते तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए तो वध दा एडजस्टड ग्राम रेवन्यू बकाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगवाई वाले बैंच ने कंपनियां के प्रबंध निर्देशों हुक्म दिता है कि वह 4 हफ्तों हलफनामा देन जिस दे विच स्पष्ट तौर पर बकाए के भुगतान का समा लिखा हो। देश दे विच अगस्त दे महीने च GST राहीं 86,449 करोड़ रुपए का मालिया इकट्ठा होया है। इन्हां विचों 15,906 करोड़ रुपए केंद्रीय GST 21,064 करोड़ रुपए सूबाई GST 42,264 करोड़ रुपए एकीकृत GST है। सरकार वालों केंद्रीय GST दे लई 18,216 करोड़ रुपए सूबाई GST लई 14,650 करोड़ रुपए एकीकृत GST दे लई नियमित भुगतान किया जा चुका। भारतीय खोज विज्ञानियों ने ब्रह्मांड च सब तो दूर पैंदियां आकाश गंगावां दे विचों एक नवी नक्षत्र आकाश गंगा की खोज करके वड्डी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह फखर वाली गल है कि भारत की पहली मल्टी वेबलैट स्पेस ऑब्जरवेटरी एस्ट्रोसैट ते धरती तो 9.3 अरब प्रकाश वरे दूर पैंदी आकाश गंगा चो चरम यूवी प्रकाश का पता लग्या है। इस आकाश गंगा की खोज पुणे च पैंदी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स दे डॉक्टर कनक साहा की अगवाई दे विच होर विज्ञानियों की एक टीम ने की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पुलाड़ विज्ञानियों एक बार फिर यह साबित करने के लिए वधाई दी है कि पुलाड़ टैक्नोलॉजी च भारत ने विशेष समर्था हासिल कर ली है। बुलेटिन के अखीर दे विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की फौज वालों की गई भड़काउण वाली कार्रवाई ते उच्च पदरी चर्चा की थी। भारत ने कहा है कि चीन की फौज ने पूर्वी लद्दाख दे विच 29 अगस्त की रात तो भड़काउण वाली कार्रवाइयां कीतियां। भारतीय फौजियों ने चीन दीआं कोशिशां नूं कीता नाकाम। पेंगोंग झील के दखनी किनारे ते भारत ने अपनी मौजूदगी की होर मजबूत। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा समेत देश के कई सूबों च एकीकृत कोल्ड स्टोर सहूलत आधुनिक मुढ़ले ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तहत 27 प्रोजैक्टों मंजूरी दी। इन प्रोजेक्टों के 16,000 तो वध लोगों सीधे या असिधे तौर पर रुजगार मिलेगा। 2,57,000 तो वध किसानों इसका लाभ पुजन की संभावना। संचार अते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मुखी नूं चिट्ठी लिखी। वखो वखरे विचारां दी वधिया नुमाइंदगी दे लई देश दे लई विशेष कम्यूनिटी दिशा निर्देशों नूं बनाई रखने दे लई ठोस उपराले करन दी हिदायत दी। देश विच COVID-19 तो सेहतयाब होण वालियां दी दर 76.94% हुई।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55,508 ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ JEE ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AGR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਰਾਹੀਂ 86,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।